नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल SMKJ में। क्या NHPC का शेयर अभी यहाँ से एक तेज़ी बनाएगा? शेयर क्या फिर से एक बार 115-120 रुपए के आसपास पहुँच सकता है? NHPC में ऐसा क्या चल रहा है जिसके चलते इन्वेस्टर्स के ओर से एक बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड क्रेज हम लोगों को देखने को मिला है? टेक्निकली NHPC का शेयर कैसा है? सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा NHPC को लेकर। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमारे लिए बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। NHPC का दोस्तों यहाँ पे एक दिन में देखते हैं तो 0.4% के आसपास जो है गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है NHPC के शेयर में। वही दोस्तों बात करते हैं एक हफ्ते में 3.5% का रिटर्न दिया है, तेज़ी बनता हुआ देखने को मिला है, और एक महीने में 10% के आसपास जो गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। NHPC का शेयर जो है इसको अभी फिलहाल देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है एंड गेटिंग एक्सपेंसिव है ये शेयर। NHPC में क्या हुआ है, शेयर का प्राइस जो है लगभग 115 रुपये के ऊपर पहुँच गया था। 115 रुपये के आसपास जैसे ही पहुँचा, बहुत सारे लोगों को लगा कि ये शेयर जो है और ज़्यादा तेज़ी बना सकता है। तो शेयर में जो है ज़्यादा अमाउंट में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करके रखा रहेगा। आपने कितने में खरीदा है और आपको क्या लगता है NHPC का शेयर, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले आपसे। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं NHPC के, जो कि 65 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 40.80 आउट ऑफ 100, मोमेंटम जो है 65.80 है आउट ऑफ 100। NHPC के शेयर का एक महीने का डिटेल्स देखते हैं यहाँ पे। एक महीने में जो है इसने हाई प्राइस बनाया था 109.10 पैसे का, और जो लो प्राइस बनाया था 77.50 पैसे का। और वही दोस्तों यहाँ पे एक हफ्ते का हाई प्राइस देखते हैं जो कि 95.50 पैसे का है, और जो लो प्राइस है 86.05 पैसे का। NHPC का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं 91,359.6 करोड़ का है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.2 है, जो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं है। NHPC का टेक्निकली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं, टेक्निकली जो है ये शेयर एक बुलिश लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों बात करते हैं, RSI इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे, ना कि ओवर सोल्ड लेवल पे, और MACD इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है एक न्यूट्रल लेवल यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो शेयर अभी बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे बोल सकते कि जो है एक बुलिश पैटर्न बनाता हुआ देखने को किसी के शेयर में। BSE और NSE मिला के एक दिन का जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 129.7 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 23.7% का है, और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 307 मिलियन का है। एक हफ्ते का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 86.9 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 25.2% का है, और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 21.9 मिलियन का है। एक महीने का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 176.3 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 23.3% का है, और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 41 मिलियन का है। तो यहाँ पे दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज देख सकते हैं NHPC का, जो कि घटता हुआ देखने को मिल रहा है, और डिलीवरी वॉल्यूम जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है NHPC के शेयर का। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास 70.95% का स्टेक है। प्रोमोटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। FIS के पास 7.38% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 8.17% का स्टेक है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.78% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 6.73% का स्टेक है। NHPC का जो कुछ इन्फॉर्मेशन अभी कुछ बोल सकते हैं, कुछ अपडेट देखने को मिला था, क्या चल रहा है NHPC में, कुछ चीज़ देखने को मिला था जहाँ पे देख सकते हैं कि NHPC जो है इसका जो 1200 मेगावाट का सोलर पावर पार्क है इन UP में, वो उसके ऊपर जो है काम शुरू करने वाला है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है NHPC का, जहाँ पे NHPC जो है स्टार्टेड डेवलपिंग 1200 मेगावाट सोलर पार्क, जो कि UP में है, ये जालाउन करके जगह है जहाँ पे उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे ये लोग शुरू कर रहे हैं। जो NHPC का सब्सिडरी है वो यहाँ पे ये काम करेगा। जहाँ पे NHPC का जो सब्सिडरी है यहाँ पे देख सकते हैं बुंदेलखंड सौर ऊर्जा विथ एन इन्वेस्टमेंट 796.96 करोड़। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक अमाउंट इन्वेस्ट करके NHPC ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है और काम कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये लोग 1200 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है बताया जा रहा है कि जो लगभग 2400 मिलियन यूनिट्स जो है जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी का पर एनम। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि NHPC का ये जो प्रोजेक्ट है या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके चलते एक बहुत बड़ा फ़ायदा आगे चल के NHPC को हो सकता है।
एनएचपीसी सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे मिला है एनएचपीसी को, एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये लोग 796.69 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहा है। अभी एनएचपीसी का देख सकते हैं यहाँ पे जो मतलब न्यू चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया गया था एनएचपीसी के ओर से कुछ दिन पहले, द एनएचपीसी स्टॉक सॉ ए डीप ऑफ 1.63% फॉलोइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद गोयल एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो राजेंद्र प्रसाद गोयल जो है एनएचपीसी का न्यू डायरेक्टर और मैनेजिंग मतलब बोल सकते हैं कि चेयरमैन जो है न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट में अपॉइंट किया गया है। और शेयर के प्राइस में फिर भी कुछ ऐसा कुछ मतलब बोल सकते कि तेज़ी वगैरह देखने को नहीं मिला है। तो अभी यहाँ पे एनएचपीसी का जो ओनरशिप है आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है जहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड ओनरशिप स्ट्रक्चर रिवील्ड, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट होल्ड 67% ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड शेयर्स व्हाइल इंस्टीट्यूशंस एंड द जनरल पब्लिक ओन्स 22% एंड जो बाकी है वो 11% है रेस्पेक्टिवली। एनएचपीसी का अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ पे एनएचपीसी सोलर पावर वगैरह में काम कर रहा है और उसके चलते बहुत सारे अमाउंट जो है ये लोग इन्वेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि दोस्तों आगे चल के एनएचपीसी का जो बिजनेस है उसमें और ज़्यादा ग्रोथ बने। अभी कंपनी भी देखेंगे एनएचपीसी का तो हमें लगता है कि कच्चा कंपनी है। शेयर का प्राइस जो देखिए एनएचपीसी का शेयर का प्राइस बीच में जो है 115 रुपये के आसपास पहुँच गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर जो है 200-250 रुपया पहुंच जाएगा। मतलब शेयर अगर आप ख़रीदते हैं तो उसमें वो सब चीज़ ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस अगर आप रखते हैं कोई भी शेयर में तो वो हो सकता है कि आपको बहुत समय या फिर हो सकता है कि उसमें होल्ड भी करना पड़े। यहाँ पे एनएचपीसी का शेयर का देखते हैं एक हफ्ते का भी डिटेल, 7 दिन का भी देखते हैं, एक दिन में जो है शेयर के प्राइस में लगभग मतलब एक हफ्ते में बोल सकते हैं कि 3.8% के आसपास जो है तेज़ी बनाया था। जहाँ पे एनएचपीसी का यहाँ पे 7 दिन में 3.8% के आसपास तेज़ी और शेयर जो है अभी एक गिरावट बना रहा है एनएचपीसी का। शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है उसमें से 67% का मानना है कि एनएचपीसी के शेयर में बाई करके चल सकते हैं, होल्ड करने के लिए 0%, सेल करने के लिए 33%। तो ज़्यादातर जो एनालिस्ट है शेयर मार्केट के उन लोगों का मानना है कि एनएचपीसी के शेयर में हम लोग बाई करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि कोई अगर शेयर अभी एनएचपीसी का बाई करता है तो बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि ज़्यादा प्राइस में किसी ने खरीद कर रखा है और आगे चल के वो आपको देखने को मिले, लेकिन अभी जो शेयर में इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है फिर जो टेक्निकली अपडेट देखने को मिल रहा है उसके चलते बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल एनएचपीसी के में नहीं रखना चाहिए। आपको कैसा लगता है एनएचपीसी का शेयर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल SMKG को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।